हाय फ्रेंड्स, स्वागत है न्यू मैथ्स में। तो आज हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो अभी ऑल इंडिया लिमिटेड का जो एग्जाम्स हो रहा है, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या यहाँ पे कि द वैल्यू ऑफ, अब ये देखोगे आप डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ देखोगे कि ये जो एक पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूला बेस पे है, ये देखोगे, अगर सपोज ये ए, अगर मैं इसको अगर ए ले लूँ, ठीक है, टोटल को ए ले लो और इसे आप बी ले लो, ठीक है। तो ये किस फॉर्मेट में है, यहाँ देखोगे इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है क्या, ए क्यूब एंड देन माइनस ये हो गया आपका बी क्यूब, ठीक है, डिवाइड बाई। अब ये देखोगे क्या है, ए आप लिए थे तो ए का स्क्वायर एंड देन प्लस, अब यहाँ देखोगे अब ये क्या दिया हुआ है, तो अब इन दोनों का मल्टीपल ही क्या है, ये 0.096 है ना, क्योंकि 96 को 1 से इंटू करोगे तो क्या होगा, 96 ही होगा। बट यहाँ पॉइंट कितने डिजिट की बात है, 1-2 डिजिट के बाद, और यहाँ 1 डिजिट के बाद। जब इन दोनों को इंटू करोगे तो कितने डिजिट के बाद हो जाएंगे, 3 डिजिट के बाद। तो यहाँ देखोगे 1, 2, 3, अब ये 3 मीन्स अब 3 डिजिट होगा, तो यहाँ एक जीरो लगा दिया हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी एन प्लस, ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों अभी आपको पता है कि ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, आप लोग स्कूल लाइफ में पढ़ के आए हो, ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और नीचे भी क्या दिया हुआ है आपका, यही दिया हुआ है ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका क्या होगा, ए माइनस बी। तो दोस्तों याद रखोगे, इस तरह का जो क्वेश्चंस होता है इस तरह का फॉर्मेट में, हमेशा याद रखोगे कि अगर ऊपर अगर क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो नीचे क्या होगा, मैक्सिमम यही होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस में आपका ऊपर प्लस होता है, ठीक है, मैं यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ, यहाँ अगर प्लस होगा तो इस जगह आपका क्या होगा, माइनस होगा, याद रखोगे आप। तो यहाँ फार्मूला भी क्या होगा, इस जगह प्लस होगा तो इस जगह माइनस होगा, और यहाँ भी माइनस, अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका उस समय ए प्लस बी, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व नहीं करना होगा, डायरेक्ट क्या करना है कि आपको इसको, यहाँ माइनस है तो इन दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ गया। तो ये है आपका 0.96 एंड देन पॉइंट, ये हो गया 0.1, अब इसको माइनस कर दोगे, यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स जीरो ले लोगे आप, 6 से जीरो गया यानी 6, 9 से 1 गया ये 8, ये पॉइंट ये 0, यानी 0.86 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो मैंने ये भी दिखाया आप, अगर यहाँ अगर प्लस हो तो यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, तो उस समय आपको करना क्या है, दोनों को प्लस कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ देखोगे क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ, ये आपका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ इस क्वेश्चन को देख के ये लग रहा होगा कि ऊपर तो ए क्यूब है एंड देन प्लस बी क्यूब, अगर आप इसको ए ले लोगे और इसको हम लोग बी ले लेते हैं, ठीक है, तो ये 3 बार इंटू है, 1, 2, 3, यानी ए क्यूब हो गया एंड देन प्लस ये बी क्यूब। तो नीचे आपको क्या होना पड़ेगा, ए स्क्वायर देन माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर प्लस होगा तो माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तो आपको दिख नहीं रहा है, यहाँ अगेन क्या है, अगेन क्यूब है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी क्यूब है, तो इस कंडीशन में क्या करोगे। तो दोस्तों अब इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि नंबर को ध्यान से देखोगे सबसे पहले। अब यहाँ जो दिया हुआ था कि 0.1 और यहाँ है 0.02, तो इस जगह देखोगे 0.2 है ना, 0.2, 0.2, 0.2, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 0.04, यानी क्या हो रहा है, इस नंबर का ये वाला क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इस पूरे से अगर 2 कॉमन ले लें, तब यह क्या होगा, अगर ये 2 से डिवाइड कर दे तो ये क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.1, 0.1, 0.1, ठीक है। यहाँ भी देखोगे, अब ये अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.02 जो है यहाँ पे 0.02, यानी ये सारे क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो कब कैंसिल होगा, जब हम 2 को निकाल लेंगे। तो अब यहाँ से 2 निकालोगे तो यहाँ से भी 2 निकालना होगा, यहाँ से भी 2 निकालना होगा, क्योंकि ये प्लस माइनस में तो है नहीं, इनटू में है। तो ये अब 2 कितने बार निकालना होगा, 1, 2, 3, सारे आपस में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो 2 देन 2 देन 2, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी आपको नीचे से क्या लेना होगा, कॉमन 8। इस तरह से आप अगर 8 निकालोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.1,
ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ देखते हैं क्या होगा, ये यहाँ भी हो जाएगा आपका क्या 0.1, देन अगेन 0.1, क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी क्या होगा, आप 80 निकालना होगा, तो बट हम लोग डायरेक्ट क्या किए 8 को कॉमन कर लिए, तो ये हो जाएगा आपका 0.02, देन इंटू 0.02, देन इंटू 0.02। और नीचे वाले जो अब देखोगे, ऊपर जो था और नीचे, ये दोनों क्या है, ये है ना, सेम ही है ना, ठीक है, एक ही है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका बचा क्या 1/8। तो 1/8, अब 8 से आप क्या करोगे, 1 को डिवाइड करोगे, तो 8 से आप डिवाइड करोगे तो ये कितने बार में जाएंगे, ये पॉइंट दोगे, पहले डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पॉइंट होगा, उसके बाद यहाँ 0, फिर ये आपका 8 1 जा 8, ये हो गया 2, देन अगेन पॉइंट दियो तो एक 0 आप कभी भी लगा सकते हो, ये 0, 8 2 जा हो गया आपका 16, देन 4 अगेन 0, ये हो गया 5, 8 5 जा 40, तो ये कैंसिल होकर आपका मिला आंसर 0.125। अब ये हो जाएगा 0.125, जो कि ऑप्शन नंबर होगा बी। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों याद रखोगे, इस तरह क्वेश्चंस आए, अगर ये दोनों ही क्यूब है और नंबर अगर नीचे भी देखोगे क्यूब में ही है, तो आप ऐसा देखना कि वो मल्टीपल हो रहे हैं, तो किसके मल्टीपल हो रहे हैं आप निकाल लोगे, जैसे यहाँ से 2 निकालोगे, यहाँ से 2 निकालोगे, यहाँ से 2 निकालोगे, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो 8 डायरेक्ट कॉमन कर लिए, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से भी 8 आ रहा है, तो 8 ओवरऑल कॉमन हो गया, उसके बाद आप दोनों को कैंसिल करोगे तो 1/8 होगा, और 1/8 का वैल्यू हो गया 0.125। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ 2994 डिवाइड बाई 14.5 इज इक्वल्स टू, दिया हुआ है आपका 172। देन अब यहाँ दिया हुआ है क्या कि 29.94 डिवाइड बाई 1.45। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ अब इस तरह के क्वेश्चंस आ जाए, अब आपको जो यहाँ डिजिट जो दिख रहा है वो सारा क्या है, सेम है ना, यहाँ देखोगे 2994, देन 145 172, यहाँ भी 2994 145, तो आंसर भी क्या होगा, तो आंसर भी आपका होगा 172 ही होगा, बट अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि पॉइंट जो है कितने डिजिट के बाद यहाँ है, और उधर भी हमारा कितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे, अब इसको आप अगर डिवाइड कर रहे हो तो ये पॉइंट, अब यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरह से होगा डिवाइड, अब इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर कितना हो रहा है, 10 हो रहा है ना, बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब ये 2994 डिवाइड बाई, अब इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या आएगा 100, और ये वाला पोर्शन क्या डिवाइड है तो इसके नीचे होगा, इंटू 145, देन इंटू क्या होगा, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कितना, अब यहाँ पर 1.45 था, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट, तो ऊपर कितना होगा, 2 डिजिट, तो ये जीरो तो कैंसिल हो गया है ना। बट अभी इस तरह के फॉर्मेट में बनाने के लिए आपको यहाँ क्या लाना होगा, एक्स्ट्रा एक क्या लाना होगा, 10 लाना होगा, ठीक है। तो यहाँ जब ये एक्स्ट्रा 10 ला रहे हो तो ये आपको यहाँ भी क्या लेना होगा, एक्स्ट्रा एक 10 लेना होगा, ठीक है। तो अब ये जो पोर्शन है, ये अब ये टोटल रिजल्ट्स आपको कितना दे देगा, 172 दे देगा, है ना, 172 दिया, बट यहाँ पे क्या आ गया, नीचे एक 10 आया, तो नीचे का 10 जब होता है, जैसे अगर हम लोग लिख दिया अभी 172, नीचे क्या आ गया, 10 आ गया, तो अब इस 0 को आप हटाओगे यानी पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, एक डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट बैठाएंगे, तो ये हो गया आपका, यहाँ एक पॉइंट बैठा देंगे। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस अगर एग्जाम्स में आए, ऐसे आते भी क्वेश्चंस है, तो सबसे पहले आपको ये फॉलो करना है कि किस फॉर्मेट में हो रहा है, यानी 0 आपका कहाँ हो रहा है, उसके बाद इसको यहाँ कन्वर्ट करने के बाद देखोगे कि इस फॉर्मेट में बन रहा है नहीं बन रहा है, तो आपको बनाना है, और उस बनाने के बाद उस आंसर को लिखना है, उसके बाद आप जो एक्स्ट्रा किए हो, अब नीचे की तरफ 0 है ना, ऊपर की तरफ 0, अगर नीचे की तरफ 0 है तो आपको क्या करना है, जितने 0 होगा उतना डिजिट के बाद आप पॉइंट बैठाना, अगर ऊपर की तरफ होगा तो आप 0 राइट साइड आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो इस तरह क्वेश्चंस का आंसर हो गया इसका 17.2, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है क्या कि 4.2 × 4.2, ठीक है, देन -1.9 × 1.9 / 2.3 × 6.1 = ?
तो दोस्तों जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करोगे कि क्या 4.2 को आप मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर, ये तो आपको दिख रहा है दो बार इंटू है यानी इंटू करोगे। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, इन दोनों को इंटू करके माइनस करेंगे उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो टाइम वेस्ट होगा। बट अब इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट ट्रिक से कैसे करेंगे, यहाँ देखोगे आप तो सबसे पहले ये तो दिया हुआ है आपका 4.2 का होल स्क्वायर होगा एंड देन माइनस 1.9 का होल स्क्वायर है ना। तो अगर आप इसको a लेते हो एज्यूम करते हो, इसको b एज्यूम करते हो, यानी हो गया आपका a स्क्वायर देन माइनस बी स्क्वायर। और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको पता होगा कि a प्लस बी और एक क्या आएगा और एक a माइनस बी। तो ऐसे क्वेश्चंस आप ये चेक करोगे कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है यानी a प्लस बी a माइनस बी होगा, तो आप देखोगे कि सबसे पहले इन दोनों को प्लस करके कहीं a प्लस बी का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है और a माइनस बी का वैल्यू नीचे की तरफ दिया हुआ है कि नहीं, आप चेक करोगे। तो इन दोनों को एक बार आप क्या करोगे प्लस करोगे, तो 9 2 क्या हो गया 11, 11 है यहाँ पे कैरी 1 4 1 5 1 6, यानी इन दोनों का क्या है ये a प्लस बी है, ठीक है। और एक बार इन दोनों को क्या करोगे माइनस करोगे, तो ये हो गया 12 से गया 9 यानी 3 हो गया, इधर हो गया 3 से 1 गया यानी 2, हाँ ये क्या दिया हुआ है a माइनस बी। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हो गया यानी ऊपर के किस फॉर्मेट में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे क्या दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये भी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आंसर क्या होगा 1 होगा। तो देखोगे 1 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर बी में 1 है। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो यहाँ देखोगे अब इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आप अगर ट्रिक पता है, अगर फार्मूला पता है, फार्मूला को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, अगर ये अब टेक्निक पता है तो आप आंसर को विद इन सेकंड निकाल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है क्या कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन 0.9 बार एंड देन एंड देन 0.9, यानी दिया हुआ है क्वेश्चन कि 0.9 के ऊपर ये बार है और आपका 0.9 का डिफरेंस यानी माइनस पूछा, डिफरेंस मीन्स माइनस। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है क्या कि 0.9 के ऊपर बार है, तो इस बार को हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखोगे इसका एक टेक्निक है, अगर यहाँ जितना डिजिट पॉइंट के बाद जितने डिजिट के ऊपर अगर बार होगा उसको हम लोग कैसे हटाएंगे, तो यहाँ आप डिवाइड करोगे और एक डिजिट है सिंगल डिजिट के ऊपर अगर बार होगा तो सिंगल नाइन। सपोज यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे 2 3, अब ये 2 3 के ऊपर बार है, तो इसको फिर फ्रैक्शन में हम लोग ये कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम ये 2 3 को डायरेक्ट लिखेंगे और डिवाइड बाई, अब ये 2 डिजिट पे बार था तो 2 9 लिखेंगे। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो अब इसको हम लोग रिप्लेस कैसे करेंगे बार को, यानी 9 एंड डिवाइड बाई 9, ठीक है, एंड देन माइनस 0.9 और 9 बाई 9 करोगे तो क्या होगा 1, तो 1 माइनस 0.9, ठीक है। तो 1 से 0.9 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.1, तो ये क्या हो गया आपका आंसर। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.1 जो कि ऑप्शन नंबर है पहला। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन नंबर 6 है कि 0.7 बार, क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है 0.39 और ये 39 के ऊपर क्या है बार है। उस तरह से और भी क्वेश्चन है 8 9 10, तो एक एक क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। तो यहाँ देखोगे कि ये पहला क्वेश्चन है कि 0.7 और ये 7 के ऊपर क्या है बार। तो अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में जब ये बार को रिप्लेस करोगे तो कैसे करना है, ये 7 लिखोगे और डिवाइड करोगे, एक सिंगल डिजिट के ऊपर बार है यानी एक सिंगल 9। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं और इनके चांसेस भी है अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो एग्जाम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तो अब इस क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। अब यहाँ देखोगे 0.39 और 39 के ऊपर ही बार है, तो यहाँ हो गया आपका ऊपर 39 और डिवाइड बाई 99, ठीक है। उसके बाद जितना छोटा हो सकेगा कर पाओगे तो आप कर देना है, ठीक है। तो ये 3 से कैंसिल होगा, ये 3 से गया 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये हो गया 1 3, यानी आंसर हो गया आपका 13 बाई 33, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ था कि 0.57 और 7 के ऊपर बार है, यहाँ पे 0.5 एंड देन 7 और बार कहाँ है 7 के ऊपर। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 7 में देखोगे
कि जितना डिजिट था उस उतने डिजिट के ऊपर बार था, है ना, सेवन था तो सेवन के ऊपर था, या 39 के ऊपर बार था। बट यहाँ पे अभी क्या है, यहाँ दो डिजिट है पॉइंट के बाद, बट एक डिजिट पे क्या है, बार है। तो इस कंडीशन में क्या करना है आपको, पहले जैसे है ऊपर पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको लिख लेना है, उसके बाद आपको जितना डिजिट पे बार है उतना क्या लिखना है आपको, नाइन। अगर यहाँ एक है तो एक नाइन, अगर यहाँ दो और कोई एक नंबर हो डिजिट होता तो उसके और एक नाइन लिखते हैं, बट यहाँ एक डिजिट है तो एक नाइन। उसके बाद जिस पे बार नहीं है उसको क्या करना है, इस ऊपर वाले में इससे माइनस कर देना है, ठीक है, यानी 57 से जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है। उसके बाद आपका ये एक सिंगल डिजिट जो बच रहा है जिस पे बार नहीं है उसके लिए आपको जीरो बैठाना है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो अब इसको कैंसिल करके छोटा कर देते हैं, ये हो गया 52, ये हो गया 90, और ये 2 से कैंसिल होगा, ये हो गया आपका 26, और ये हो गया आपका 45। तो ये आंसर हो गया 26/45। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको कि 0.57 सेवन के ऊपर बार है, यानी एक सिंगल डिजिट पे बार है तो एक सिंगल नाइन लिखना है, उसके बाद जितने डिजिट पे बार नहीं है उतना को क्या बैठाना है, जीरो बैठाना है, यानी एक डिजिट था तो एक जीरो, यानी 90 हो गया। अब यहाँ पे टोटल डिजिट को यहाँ लिखना है, उसके बाद जिस पे बार नहीं है उसको क्या करना है, माइनस कर देना, ठीक है। उसके बाद माइनस करने के बाद जितना छोटा हो सके छोटा कर देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अब यह है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ अब ये 1.6 बार है, तो ये पॉइंट है ना, पॉइंट के अभी हमने जितने भी क्वेश्चन किए पॉइंट के इस साइड किए, राइट साइड किए, बट लेफ्ट साइड अगर कोई डिजिट हो तो उसको जैसे है वैसे लिखना है, प्लस यहाँ दे दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सेम प्रोसेस करना है, यहाँ 6 लिखोगे ऊपर, और एक सिंगल डिजिट पे बार है तो एक सिंगल 9 लिखना है, जितना छोटा होगा इन दोनों को पहले छोटा कर देना है। तो ये हो गया आपका 2 से गया 3 से जाएगा, 3 2 6 एंड 3 3 9, तो आपको मिला क्या, 1 2/3। अब आपको क्या करना है कि मिक्स फ्रैक्शन में है, अब इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 3 को 1 से इंटू करके 2 ऐड कर देंगे, 3 1 3 2 5/3। ये ऑप्शंस में देख लोगे आप, आंसर अगर यहाँ होगा 1 2/3 तो 1 2/3 होगा, और अगर इस तरह के फॉर्मेट में होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 5/3 तो 5/3 होगा, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अब यहाँ सेम प्रोसेस यही करेंगे हम लोग, तो इस 14 को पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे एंड देन प्लस, उसके बाद 7 3, तो यहाँ 7 3 और नीचे हो गया आपका 9। अब ये तो कैंसिल होने वाले है नहीं, तो इसको क्या करेंगे, अब इसको इंटू करके इसको प्लस करना होगा, बट मैक्सिमम इस तरह का जब बड़ा नंबर होगा तो उसमें क्या होता है कि ऐसे ही आपका आंसर होता है, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब ये दिया हुआ है 0.242424 कंटिन्यू है, ठीक है। तो अब आगे जो हम लोग क्वेश्चन किए थे वहाँ बार लगा हुआ था, है ना, तो अब यहाँ दिया हुआ है कि 0.242424 ये कंटिन्यू, ये आ ही रहा है, ये कंटिन्यू है, जब आप किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो ये 24 करके कंटिन्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 24 आ रहा है, यानी 24 के ऊपर बार, यही होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो अब इसको फिर कन्वर्ट करना है किस में, फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, ये डेसिमल में है, डेसिमल से हमें कन्वर्ट करना है किस में, फ्रैक्शंस में। तो आपको करना क्या है, सेम वही प्रोसेस, यहाँ 24 लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, ये दो डिजिट पे बार है यानी 2 9, अभी जितना छोटा होगा छोटा हम लोग कर देंगे, तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से गया 8 3 24, और ये हो गया आपका 3 3, यानी आंसर हो गया 8/33, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम्स में आते हैं और अभी आने के चांसेस भी है, ऑल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो सेम वही प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ दिया हुआ है क्या कि 1 एंड देन प्लस, ये पॉइंट के लिए आपको प्लस लिखना है, एंड देन ये हो गया आपका 3, और एक नीचे क्या आ जाएगा 9, इसको छोटा कर देते हैं यानी 1/3। तो आपका अब इसको क्या करेंगे, अब ये पहले ऐसे लिख लेते हैं हम लोग 1 एंड देन 1/3, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 देन 1 करोगे तो ये हो गया आपका 4/3, यानी आंसर हो गया 4/3, जो कि ऑप्शन नंबर है बी।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों एग्जाम्स में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर प्लस हो कभी माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, करना सेम प्रोसेस ही है जैसे हम लोग बार को कन्वर्ट किए थे हम लोग फ्रैक्शंस में। तो यहाँ आपको अभी आप कन्वर्ट सेम वैसे ही करोगे 63 और नीचे क्या लिखोगे 99 एंड देन प्लस, अब इसको लिखना आपको 37 डिवाइड बाई हो गया आपका 99, ठीक है। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम हो गया 99। अब ये दोनों को क्या करना आपको प्लस, तो 63 में 37 को प्लस करोगे तो कितना होगा 100, तब आंसर हो गया आपका 100/99 जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ आपको दिया हुआ है क्या कि इफ़ 0.111 और ये कंटिन्यू है, डॉट डॉट इट मीन्स कंटिन्यू इज इक्वल्स टू 1/9, इसका वैल्यू आपको गिवेन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जाए कि आपका गिवेन है और यहाँ आपको इस तरह का वैल्यू आपको फाइंड करना हो, तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है कि ये जो नंबर है 444 इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग कहाँ पे 111 पे, ठीक है। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो हाँ अगर 4 को आप कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका 0.111 ये डॉट डॉट डॉट, है ना। तो अब इसका वैल्यू तो आपको गिवन है ना 1/9, सो आंसर हो गया आपका 4/9 जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने फ्रैक्शंस एंड डेसिमल के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को करवाया जो अभी ऑल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का जो एग्जाम हो रहा है वहाँ ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।